धीरे धीरे अंतरिक्ष की दुनिया बदल रही है। मानव हर दिन तेजी से अंतरिक्ष में जाने के लिए एक से एक एडवांस स्पेसक्राफ्ट पर काम कर रहा है या फिर अपनी थियोरी के बेस पर नए नए स्पेसक्राफ्ट के लिए प्लानिंग कर रहा है। भले ही आज हमें लगता होगा कि हम वैज्ञानिक रूप से बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, हमने अंतरिक्ष में अपने कदम बढ़ा दिए हैं, लेकिन अंतरिक्ष के कंपैरिजन में देखा जाए तो हम आज तक कुछ नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में इंसानी कदम सिर्फ पृथ्वी के चंद्रमा तक पहुंचे हैं। इसके अलावा मानव ने मार्स पर स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग करवाई है। इसके अलावा अभी तक हम हमारी सौरमंडल में मौजूद 8 प्लैनेट्स पर सैटेलाइट ही नहीं भेज पाए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि जब हमारी स्पीड इतनी कम है कि अभी तक हम मार्स और मून तक ही पहुंच पाए हैं, तो फिर हमारी सौरमंडल के सभी प्लैनेट्स तक पहुंचने और उसके बाद हमारी गैलेक्सी से बाहर जाने के लिए हमें कितना ज्यादा वक्त लगेगा। आज की स्पीड के अकॉर्डिंग एक मानवीय जीवन अपने सौरमंडल से हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, बल्कि इसके लिए हमें हजारों मानवीय जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे में सवाल फिर से वही है कि आखिर हम हमारे यूनिवर्स के आखिरी छोर तक कभी पहुंच पाएंगे या नहीं। शायद इसका जवाब विज्ञान ने ढूंढ निकाला है। स्टार ट्रैक जैसी साइंस फिक्शन हॉलीवुड मूवीज में आपने एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट देखा होगा जो स्पेस टाइम को वार्प करते हुए तेजी से अंतरिक्ष के एक छोर से दूसरे छोर तक की यात्रा पलक झपकते ही कर लेते हैं। ऐसी साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाई जाने वाली स्पेसक्राफ्ट एंटी मैटर प्रोपल्शन सिस्टम का यूज करके अनइमेजिनेबली हाई स्पीड से ट्रेवल करते हैं। मूवीज देखते हुए शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कभी पॉसिबल भी हो पाएगा या नहीं, लेकिन आज यह सच होता दिखाई दे रहा है। वैज्ञानिक तेजी से एंटी मैटर स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए काम कर रहे हैं। यह स्पेसक्राफ्ट काम कैसे करेगा और क्या एंटी मैटर से चलने वाला इंजन बनाया जा सकता है, इसे समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर एंटी मैटर कौन सी बला है। एंटी मैटर एक ऐसा पदार्थ है जो नॉर्मल मैटर से एकदम अपोजिट मैटर है। देखा जाए तो एंटी मैटर एंटी पार्टिकल के प्रिंसिपल का एक्सप्लेनेशन है, या फिर आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि प्रकृति में मौजूद हर एक मैटर छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक उसी तरह से एंटी मैटर भी छोटे छोटे पार्टिकल से ही मिलकर बना होता है। लेकिन एंटी मैटर का निर्माण जिन पार्टिकल से होता है उन्हें एंटी पार्टिकल्स कहा जाता है। इसे हम एग्जाम्पल से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर हाइड्रोजन के एक एटम का निर्माण करते हैं, ठीक उसी तरह से एक एंटी इलेक्ट्रॉन और एक एंटी प्रोटॉन मिलकर एक एंटी हाइड्रोजन एटम का निर्माण ठीक उसी तरह से कर सकते हैं जिस तरह से हाइड्रोजन के एटम का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एंटी इलेक्ट्रॉन एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसे पॉजिट्रॉन भी कहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसे ही एंटी प्रोटॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब एक सवाल आता है, जब एंटी मैटर ठीक उसी तरह से पदार्थ का निर्माण कर सकता है जैसे कि नॉर्मल मैटर करता है, तो हमें एंटी मैटर अब तक मिला क्यों नहीं? पदार्थ और एंटी मैटर जब आपस में मिलते हैं तो दोनों के एनाइलेशन की एक प्रोसेस शुरू हो जाती है, जिसके कारण हाई एनर्जी वाले फोटोन यानी गामा रेज या फिर दूसरे पार्टिकल्स या एंटी पार्टिकल्स के परमिएट्स बनते हैं। हो सकता है कि आपको ये सब सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि एंटी मैटर जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एंटी मैटर की खोज 20th सेंचुरी के पूर्वार्ध में हुई थी। तब से लेकर आज तक वैज्ञानिक इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे आसपास की सभी चीजें मैटर से बनी हुई हैं, जबकि मैटर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। उसी तरह से एंटी मैटर में एंटी प्रोटॉन पॉजिट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। सभी प्रकार के पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स का आकार एक जैसा ही होता है, बस दोनों पर चार्जेस एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस तरह से मैटर और एंटी मैटर आपस में टकराते हैं तो उनके बीच भयंकर विस्फोट होता है, ठीक ऐसी ही किसी प्रोसेस के कारण ही बिग बैंग जैसे महाविस्फोट की शुरुआत हुई होगी। लेकिन आज ब्रह्मांड में कहीं पर भी एंटी मैटर नहीं मिलता। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसे ही बिग बैंग की शुरुआत हुई उसी टाइम इस यूनिवर्स में चारों तरफ मैटर और एंटी मैटर बिखर गया, जिसके कारण एंटी मैटर और मैटर आपस में टकरा गए, जिसके बाद भारी मात्रा में एनर्जी गामा रेज के रूप में रिलीज हुई। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसके कारण अधिकतर मैटर खत्म हो गया। आज हम अपने आसपास के यूनिवर्स में जिस मैटर को देखते हैं वह उस टक्कर के बाद बचा हुआ थोड़ा सा मैटर है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस तरह से मैटर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, ठीक उसी तरह से एंटी मैटर भी खत्म नहीं हुआ होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमसे करीब 50 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर एंटी मैटर की मौजूदगी हो सकती है। एंटी मैटर स्पेसक्राफ्ट मैटर और एंटी मैटर के प्रिंसिपल पर काम करने वाला स्पेसक्राफ्ट होगा, क्योंकि मैटर और एंटी मैटर की टक्कर के कारण मैटर और एंटी मैटर का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है।
तो वहीं इससे बड़ी मात्रा में एनर्जी भी रिलीज होती है, जिसके कारण एंटी मैटर रॉकेट आज के किसी भी नॉर्मल स्पेस रॉकेट के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा डिस्टेंस तक कई गुना ज्यादा स्पीड से जा सकता है। आज के टाइम में रॉकेट को एनर्जी देने के लिए लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, जबकि वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि रॉकेट में मैटर और एंटी मैटर को फ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है तो इससे नॉर्मल रॉकेट के कंपैरिजन में करीब 10 मिलियन गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जिसके कारण इस एनर्जी की हेल्प से स्पेसक्राफ्ट को आज तक की सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट से भी ज्यादा तेजी से लॉन्च किया जा सकता है। यह स्पीड इतनी तेज होगी कि हम जिस स्पीड को पूरी तरह से इम्पॉसिबल मानते हैं उस स्पीड को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। भले ही आज हमें यह पता है कि यदि हम एंटी मैटर और मैटर को फ्यूल के रूप में काम करने वाला रॉकेट बनाएं तो उससे हम ब्रह्मांड में अपनी सोच से भी ज्यादा दूर जा सकते हैं, तो फिर अभी तक एंटी मैटर स्पेसक्राफ्ट क्यों नहीं बनाया गया? दोस्तों, ये बात कहने में जितनी अच्छी लगती है, दरअसल ये उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि एंटी मैटर मानव जाति के लिए बहुत ही दुर्लभ है। यह ब्रह्मांड में हमारे आसपास हजारों प्रकाश वर्ष की दूरी तक नहीं मिलता। इसके अलावा एंटी मैटर जैसे ही मैटर के कॉन्टेक्ट में आता है तुरंत खत्म हो जाता है। ऐसे में इसे ढूंढ पाना पॉसिबल नहीं है। बात करें लेबोरेटरी की तो इसे हर किसी लेबोरेटरी में आसानी से बना पाना भी पॉसिबल नहीं है। आज के टाइम में एंटी मैटर जैसे दुर्लभ पदार्थ को धरती पर मौजूद सर्न जैसी कुछ एडवांस्ड लेबोरेटरी में ही बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ भी इसे इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं बनाया जा सकता कि इसे फ्यूल के रूप में काम में लिया जा सके। अभी तक एंटी मैटर को बनाने में सफलता सिर्फ और सिर्फ सर्न लेबोरेटरी को मिली है, लेकिन यहाँ बने एंटी मैटर की मात्रा 10 नैनोग्राम से भी कम थी, जिससे केवल 60 वॉट के एक बल्ब को करीब 4 घंटे तक आसानी से रोशन किया जा सकता है। आज तक धरती पर मौजूद अलग अलग लेबोरेटरी में कुल 18 नैनोग्राम एंटी मैटर का ही निर्माण किया जा सका है, जो कि किसी भी स्पेस मिशन के लिए जरूरी मात्रा से बहुत 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 कम है। साल 2000 में जर्नल ऑफ प्रोपल्शन एंड पावर की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। इस रिपोर्ट की माने तो यदि मार्स के लिए करीब एक साल के मिशन एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें तो इसके लिए हमें करीब मिलियन ऑफ 1 ग्राम एंटी मैटर की जरूरत होगी। शायद आपके मन में एक सवाल घूम रहा होगा कि यदि हम कोशिश करें तो इतना एंटी मैटर आसानी से बना सकते हैं, और अभी हमारे पास करीब 18 नैनोग्राम एंटी मैटर ऑलरेडी मौजूद है। दोस्तों, काश ऐसा हो पाता, क्योंकि एंटी मैटर को सुरक्षित रखना भी एक बहुत बड़ा सिर दर्द है। आज तक जितने भी एंटी मैटर का प्रोडक्शन किया जा चुका है उसमें से ज्यादातर एंटी मैटर नष्ट हो चुका है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद एंटी मैटर उसी कंटेनर के साथ रिएक्ट कर लेता है जिस कंटेनर में उसे रखा जाता है। इसलिए सबसे पहले हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिससे हम एंटी मैटर को आसानी से स्टोर कर सकें और बिना उस सिस्टम से रिएक्ट करे ही मैटर और एंटी मैटर के बीच रिएक्शन हो सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा सिस्टम बना पाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि कुछ स्टडी इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि नासा एंटी मैटर स्पेसक्राफ्ट बनाने में जुटा हुआ है और शायद वह आने वाले कुछ दशक में एंटी मैटर स्पेसक्राफ्ट बना भी ले। साल 2000 के अक्टूबर माह में नासा के वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने एंटी मैटर स्पेसक्राफ्ट का एक डिजाइन पेश किया था, जिसके दौरान बताया गया कि इस स्पेसक्राफ्ट में बहुत थोड़ी सी मात्रा में एंटी मैटर का फ्यूल देकर उसे बहुत तेजी से लॉन्च किया जा सकता है। अब हम एक सवाल पर और विचार कर लेते हैं कि यदि एंटी मैटर स्पेसक्राफ्ट बना लिया जाता है तो इसकी स्पीड कितनी हो सकती है? दोस्तों, इस सवाल के जवाब के लिए हमें इसकी तुलना आज के सबसे तेज रॉकेट से करते हैं। अभी तक नासा के द्वारा बनाए गए जूनो स्पेसक्राफ्ट को ही सबसे तेज माना जाता है। जूनो स्पेसक्राफ्ट 3,65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धरती से जुपिटर के पास पहुंचा था। यह मानव द्वारा बनाए गए आज तक के स्पेसक्राफ्ट की सबसे तेज स्पीड थी। इसके अलावा बात करें फास्टेस्ट लॉन्च वेलोसिटी की, तो न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग वेलोसिटी सबसे तेज यानी करीब 58,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। आज के टाइम में नासा के स्पेसक्राफ्ट आयन थ्रस्टर्स के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, जिनकी मैक्सिमम स्पीड 2,00,000 मील प्रति घंटे तक है। लेकिन यदि इसकी जगह एंटी मैटर स्पेसक्राफ्ट को काम में लिया जाए तो वह 72 मिलियन किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक आसानी से पहुंच सकता है। हमारा टारगेट लंबी दूरी की इंटरस्टेलर ट्रेवल के सपने को सच करना है, लेकिन उससे पहले हमें पॉजिट्रॉन डायनामिक्स इंजन को बनाने का रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि बिना इंजन के एंटी मैटर हमारे किसी काम का नहीं है। यदि ऐसा पॉसिबल हो पाता है तो एंटी मैटर स्पेसक्राफ्ट मानव जाति का सबसे ज्यादा डेवलप्ड स्पेसक्राफ्ट होगा, क्योंकि इसका फ्यूल 100% एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कम फ्यूल में हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिल सकेगी। दोस्तों, धरती पर एंटी मैटर की जरूरत नहीं है और शायद इसी कारण से धरती पर एंटी मैटर नहीं मिलता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने लेबोरेटरी में एंटी मैटर को बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है। लेकिन इसे बड़ी मात्रा में बनाना बहुत ज्यादा कॉस्टली है, क्योंकि नासा का मानना है कि एंटी मैटर धरती का सबसे महंगा मटेरियल है।
क्योंकि एक ग्राम एंटीमैटर को बनाने में करीब 250 लाख डॉलर का खर्च होता है। इसी कारण से एक ग्राम एंटीमैटर की कीमत करीब 3,12,500 अरब रुपए के आसपास है। 72 मिलियन प्रति घंटे की स्पीड से यदि हम स्पेस में ट्रेवल करेंगे तो दूसरे ग्रहों पर जाना बहुत आसान हो जाएगा, तो वहीं मानव सभ्यता का विस्तार भी दूसरे ग्रहों पर बड़ी ही आसानी से किया जा सकेगा। मानव एस्टेरॉयड तक आसानी से पहुंच पाएगा, जिससे एस्टेरॉयड माइनिंग पॉसिबल हो पाएगी। इसी के साथ यदि हम एंटीमैटर बनाने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो ये हमें टाइप 2 सिविलाइजेशन तक पहुंचा सकता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कैसा हम कब तक कर सकेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।